हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अ स्माइल। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, गर्मियों का आनंद ले रहे होंगे और मैंगो भी खा रहे होंगे। तो गर्मियों का सीज़न आ चुका है और इसमें कच्चे आम भी आते हैं, जिनसे बहुत तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आइए हम बनाते हैं इससे आज आम की लौंजी, इसे खट्टी मीठी चटनी भी कहते हैं। इसके लिए हमने सभी आमों को धो लिया है, ये लगभग 1 किलो आम है और इनका पानी अच्छे से पोंछ लिया है। पहले इसमें पानी नहीं रहना चाहिए और उसके बाद इनको छील लिया है हमने। ये देखिए, ये आम का छिलका हमने उतार लिया है। इसी तरह हम सारे आम के छिलकों को बारीक बारीक काट कर छिलका इसका उतार देंगे। लेकिन छिलका उतारने के बाद इसको वॉश मत करिएगा, अन्यथा इसमें पानी आ जाएगा। ये देखिए, सभी मैंगो हो गए हैं। ये देखिए, इसमें से एक थोड़ा सा येलो येलो है, ये थोड़ा मीठा होगा। आप एक बार खा के देख लीजिएगा काट के कि कितना खट्टे हैं कितने मीठे हैं, उसी हिसाब से हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो चलिए, अब उसकी पतली पतली छोटी छोटी फाख काट ले दी जाती है। इसके बीच में गुठली निकलेगी जो हम निकाल देंगे और बाकी जो गूदा है उसको हम यूज़ कर लेंगे। कच्चा आम हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हम लोग छोटे थे तो कच्ची आम की कैरी को ऐसे ही खाते थे, नमक लगा के ऐसे ही खा लेते थे। पर आजकल के बच्चे इतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सामने तो मैगी और जंक फूड्स आ गए हैं, तो कहाँ आम की कैरी खाएंगे। तो चलिए, इसको सबको हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बीज होता है तो ध्यान रखिएगा, बीज में बीज आता है। ये देखिए, हमने सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसका बीज निकाल कर फेंक दिया है। ये देखिए, सभी आम हमने काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, लगभग 2 चम्मच, और इसको गर्म होने देंगे। फिर इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, एक चम्मच डालेंगे मेथी दाना और एक चम्मच डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे कलौंजी। ये ऑप्शनल है, बहुत से लोग इसको डालना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसको डालने से टेस्ट अच्छा आता है। और 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। आप चाहे तो हरी वाली सौंफ डालें, चाहे पीली वाली सौंफ डालें, और इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। जब ये सौते हो जाए तो इसमें ये कच्चे आम की जो फाके काटी थी हमने, वो इसमें डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें हम स्टार्टिंग से धीमी या गैस पे करेंगे, गैस की फ्लेम तेज नहीं करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच नमक,
या आपके स्वाद अनुसार है, क्योंकि ये खट्टे होते हैं तो इसमें बाद में गुड़ भी पड़ेगा, लेकिन नमक भी पड़ना ज़रूरी है, तभी खट्टे मीठे का स्वाद आएगा। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद इसको ओपन करेंगे। ये देखें, ये थोड़े से गल गए हैं, ये देखें इसमें रेशे रेशे आ गए हैं। ऐसे ही हमें चटनी अच्छी लगती है बनाना। अब इसमें ये एक कटोरी गुड़ है, गुड़ भी आपकी इच्छा अनुसार है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके आम ज़्यादा खट्टे हैं तो गुड़ थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, अगर कम खट्टे हैं तो गुड़ कम डालिएगा। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो 1 से 1.5 कटोरी गुड़ आप डाल सकते हैं। हमने ये 1 कटोरी गुड़ डाला है इसमें और ढक दिया है 5 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट बाद हमने खोला तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से गुड़ मेल्ट हो गया है, इसमें मिक्स हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। और चलिए करते हैं सर्व। इसको आप दाल चावल, रोटी, सब्जी, नान, जिससे भी आप खाना चाहें खा सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।